नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। भारत अपनी आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर दुनिया भर के देशों ने भारत को बधाई दी और आगे बढ़ने की कामना की, लेकिन भारत के दोस्त ईरान की ओर से खास अंदाज में भारत को बधाई दी गई, जिसे देखकर भारत के लोग और पीएम मोदी काफी खुश हुए और इस खास अंदाज में दी गई बधाई को पूरे भारत में पसंद किया जा रहा है और लोग वीडियो को काफी वायरल कर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। Happy Republic Day to all Indians with love from Iran. तो देख लिया आपने कैसे ईरान ने बधाई दी है। जी हाँ, ईरान की ओर से ट्विटर पर जारी इस वीडियो में एक बच्ची स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही ट्वीट में लिखा गया कि भारत को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। लोकतंत्र की भावना भारत के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रगति, समृद्धि और खुशी की तरफ ले जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ईरान भारत को खुश किया और इस खास अंदाज में बधाई दी। वहीं मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन देश इजराइल ने भारत को किस अंदाज में बधाई दी बताते हैं। लेकिन यहां पर एक बात बताते चले कि जो हमने ऊपर बात दुश्मन नंबर वन की लिखी है वो सही है, लेकिन पिछले 70 सालों में पहली बार दुश्मनी की बर्फ पिघल रही है और दोस्ती की ओर बढ़ रही है, इसलिए ये बात क्लियर करना था। अब खबर पर चलते हैं। इजराइल के साथ भारत की दोस्ती अभी हनीमून पीरियड में है, लेकिन ये दोस्ती काफी बड़ी होने वाली है, इसलिए इजराइल के बड़े नेताओं ने अपने अपने अंदाज में बधाई संदेश भेजा। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग ने 76वें स्वतंत्रता दिवस और भारत इजराइल के बीच 30 साल के पूर्ण राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों भारतीय और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर हरजोग ने कहा कि एक क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि आपकी भागीदारी का स्तर जितना अधिक होगा, सकारात्मक परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा। भारतीय राष्ट्रीय गौरव के इस अद्भुत उत्सव में इजराइल हिस्सा लेता है। हम शांति और समृद्धि के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं और हम एक उज्जवल भविष्य के वादे को सुरक्षित करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तत्पर हैं। शुभकामनाएं। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही शुभ अवसर पर दो जाने दुश्मन देश ने कैसे भारत को बधाई दी और क्या अंदाज रहा। यहाँ पर एक और बात बताते चले कि इस रिश्ते की शुरुआत मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब से शुरू हुई है। पहले भारत की विदेश नीति कुछ और थी और फिर मोदी सरकार के आने पर इजराइल को लेकर भारत की विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद से दोस्ती परवान चढ़ी और पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर गए और कई ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। उसके बाद भारत इजराइल संबंध काफी मजबूत हुए और आगे भी होते रहेंगे।